ஆதுன் தானா வெறுமனி சிக்காப்படும் ஸ்மாதி யோனி ஆதுன் தானா வெறுமனி சிக்காப்படும் ஸ்மாதி யோனி தம்மபத் गाथा कथा नंबर 131 और 132 131 एंड 132। सावित्री में एक बार भगवान बुद्ध चारिका के लिए जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में कुछ कुमार यानी कुछ लड़के, कुछ मालवक या कुछ तरुण वहां नौजवान डंडों से सांप को मार रहे हैं। तो भगवान ऐसा करने के लिए मना करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों इसको मार रहे हो। तो वो कुमार लड़के कहते हैं कि ये हमें काट खाएगा, इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि हमें अपनी जान प्रिय है, इसलिए हम इसको मार रहे हैं। तो भगवान उनको वहां कहते हैं कि आप अपनी जान बचाने के लिए अगर इसको आप मारोगे तो आपकी जान नहीं बचेगी। ये बात उनको समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसा हो सकता है कि हम सांप को मारें और फिर हम मर जाएं और हम ना बचें, और हम सांप को जीवित छोड़ दें और हम बच जाएं। ये तो बड़ी कमाल की बात बताई। तो उन्होंने भगवान से कहा कि पूरा करके आप हमें बताइए कि आपने ये कैसे कह दिया कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर हम बच जाएंगे। तब भगवान ने ये दो गाथाएं कही, सुख कामनी भूतानी यो दंडेन विहिंसति अत्तनो सुख मेसानो पेच सो ने लभते सुखं। सुख कामनी भूतानी माने सुख की कामना में भूतानी, भूतानी मतलब प्राणी, जो जीव हैं जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या कोई भी है, कोई सुख की कामना में जितने भी जीव हैं, यो दंडेन विहिंसति, जो करते हैं दंडित करते हैं और हिंसा करते हैं यानी कि मारते हैं या घायल करते हैं। अत्नो सुख मेसानो, अत्नो माने अपना, सुख मेसानो माने अपने सुख की चाह में, अपने सुख के लिए जो हिंसा करते हैं या दंड देते हैं, मारते हैं प्राणियों को। पेच सो ने लभते सुखम, पेच माने मरने के बाद, पेच माने मरने के बाद यानी कि आफ्टर डेथ, सो ने लभते सुखम, वह नहीं लाभ पाते सुख का। और दूसरे में वो कहते हैं सुख कामनी भूतानी, यानी कि जो सुखी कामना करते हैं प्राणी, यो दंडेन न हिंसति, यानी जो दंड देते हैं और ना ही हिंसा करते हैं, जो इस प्रकार ना दंड देते हैं ना हिंसा करते हैं, पहले वाले में हिंसा कर रहे हैं दंड दे रहे हैं, दूसरे वाले में कहते हैं जो दंड नहीं देता जो हिंसा नहीं करता। अत्नो सुख में सो, अपने सुख की चाह में, पिच सो लभते सुखम, मरने के बाद उनको सुख प्राप्त होता है। ये छोटी सी बात उन्होंने वहां कही, उसके बाद देशनामा उन्होंने समझाया कि अगर हम किसी प्राणी की हत्या करते हैं अकारण से, क्योंकि प्राणी तो हमको काट नहीं रहा है, काटने के लिए आ नहीं रहा है, सांप अपने रास्ता जा रहा है, हर प्राणी एक दूसरे का सम्मान करता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के सारे प्राणी एक दूसरे से डरते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए कि वो अपने रास्ते जाते हैं आप अपने रास्ते। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जब मैं विपस्ना करने गया था शिमला के अंदर, धर्मशाला के अंदर, तो वहाँ बंदर बहुत आते हैं और मैं बंदरों से बहुत डरता था क्योंकि विपस्ना में चल रहा था। तो मुझे उन्होंने कहा कि जब आप बंदर से के रास्ते में आपके में आ जाए और बैठा भी हो तो आपने आँख नहीं मिलानी उससे, और ना ही आपने चाल बदलनी है, ना ही आपने रुकना है, आप जैसे नॉर्मल जा रहे हैं, नेचुरल जा रहे हैं, वैसे ही जाएं, निगाह नहीं मिलानी है, बंदर आपको कुछ नहीं कहेगा। तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के, क्योंकि बचपन से हमारे यहाँ बहुत बंदर आते थे और एक दो बार बंदर मेरी छोटी बहन के ऊपर झपटा भी, भाई के ऊपर झपटा भी, हम डंडा लेके भागे भी पीछे, तो डर बैठा हुआ था। तो मैंने कहा इस डर को निकालते हैं, देखते हैं। तो वहां बंदरों का झुंड था और बड़ा मोटा बंदर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और मुझे अपने रूम में जाना था। तो मैं आराम से चलता हुआ और मैंने बिना आंख मिलाए उसके बिल्कुल बराबर से निकल के चला गया। बंदर ने मुझे कुछ नहीं कहा। दरअसल जानवर आंख मिला के, आंख में आंख डाल के ये देखता है कि ये मेरे लिए थ्रेट है या नहीं है, वो जज करता है, वो तोलता है, वो आपसे उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो जानता है। मगर अगर आप रुके, आपकी चाल बदली, तो वो उसे अटैक समझेगा। आपने निगाह मिलाई तो उसको थ्रेट समझेगा। अगर आपने चाल बदली तो वो इसको हमला समझेगा कि चाल बदली है तो चेंज हो गई है। आप अगर नॉर्मल तरीके से चले जाएंगे तो वो नॉर्मल चाल को पहचानता है, उसके सॉफ्टवेयर में नॉर्मल चाल कैसी होती है, नॉर्मल वॉक कैसी होती है, नॉर्मल बिहेवियर कैसा होता है, ये रिकॉर्ड है। तो वो आपका नॉर्मल बिहेवियर को अपने रिकॉर्डेड बिहेवियर से मैच करता है तो पाता है कोई खतरा नहीं है, तो वो शांत रहता है। और अगर आपने निगाह मिलाई तो फिर वो आपको घूर रहा है, क्योंकि वो आपसे थ्रेट खा गया, डर गया,
तो अपना डर निकालने के लिए वो आप पे अटैक कर सकता है, घुरा सकता है, काट सकता है, मार सकता है, क्योंकि वो डरा हुआ है। और डरा हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, भाग भी सकता है, हमला भी कर सकता है, क्योंकि डर के आगे तो या तो भागना है और या हमला है। तो यही बात भगवान बुद्ध ने कही कि सांप को अगर आप मारोगे तो सांप के मारने का आपको पाप लगेगा, क्योंकि वो निर्दोष है और आपने उसको हत्या की है और हत्या का पाप आपको लगेगा, तो वो पाप आपके अंदर जमा हो जाएगा। फिर आप जब मरोगे तब या उस बीच में भी आपको उस पाप का कर्म का फल आएगा। फल आने से वो आपको मारेगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपको दिक्कत करेगा। और अगर आप इसे जिंदा छोड़ दोगे तो ये आपको कुछ नहीं कहेगा, इसके जिंदा छोड़ते ही इसके पाप का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप आपने किया ही नहीं, तो फाइल कोई बनेगी नहीं, तो वो एक्टिविटी नहीं होगी, तो आपको कहीं बाद में मरने के बाद में वो दुख नहीं मिलेगा जो सांप के मारने का या जीव के मारने का होता है। ये बात वहां कुमारों को समझ में आई, लड़कों को समझ में आई और लोगों को समझ में आई, उन्होंने वहां सांप को छोड़ दिया, सांप अपने रास्ते चला गया, कुमार अपने रास्ते चले गए, भगवान बुद्ध अपने रास्ते चले गए। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkha Padam Smadhyami.